दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि आधार कार्ड का उपयोग सभी जगह हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है आधार कार्ड के साथ साथ आजकल VID नंबर की भी डिमांड हो रही है। तो क्या होता है यह VID नंबर, यानी कि वर्चुअल ID नंबर? अगर आपके पास वर्चुअल ID नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्चुअल ID को जनरेट किया जा सकता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दादाराव गावंडे और मेरे YouTube चैनल डिजिटल डीजे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कोई सरकारी काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, यह तो आपको पता है, लेकिन आजकल डिमांड हो रही है वर्चुअल ID नंबर की। आज मैं इसी विषय पर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है योनो SBI। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भी ओपन हो चुका है। पहले बॉक्स में आधार नंबर की डिमांड हो रही है, साथ ही साथ निचले बॉक्स में वर्चुअल ID नंबर भी पूछ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि कैसे वर्चुअल ID नंबर जनरेट करना है। हाउ टू जनरेट वर्चुअल ID नंबर और हाउ टू जनरेट VID नंबर। आपको अपने लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर के URL बार में टाइप करना है आधार वर्चुअल ID। जैसे आप यह कीवर्ड टाइप करते हैं तो आपके सामने एक लिंक दिखेगी resident.uidai.gov.in। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे नेविगेशन बार के आधार सर्विसेस इस टैब पर क्लिक करना है। नीचे आधार नंबर के बॉक्स में आपको आपका आधार नंबर टाइप करना है। सिक्योरिटी कोड बॉक्स में दिया गया कैप्चा कोड टाइप करना है और बाद में सेंड OTP इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको इस बॉक्स में टाइप करना है और जनरेट VID यानी कि जनरेट वर्चुअल ID ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। और यह देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर VID नंबर इज सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल। अब आपका वर्चुअल ID नंबर जनरेट हो चुका है और यह नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। साथ ही साथ अगर आपने आपका आधार कार्ड निर्माण करते समय ईमेल दिया है तो यह वर्चुअल ID नंबर आपके ईमेल पर भी भेजा जाएगा। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाया है कि कैसे वर्चुअल ID नंबर को जेनरेट किया जा सकता है। दोस्तों, मैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस लेके आऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस अपलोडिंग की जानकारी सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि लाल बटन दबाकर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं। धन्यवाद।